नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव अब अपने पहले चरण की तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ने लगा है और सभी पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन भरकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उम्मीदवार लोकतंत्र में भगवान बनी जनता के दर दस्तक दे रहे हैं और अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। उसी बीच चुनावी विश्लेषकों और सर्वे एजेंसियां पार्टियों के लिए सिरदर्दी पैदा कर रही है। 11 अप्रैल के पहले चरण के चुनाव से पहले आए नए समीकरण से पता चलता है कि इस बार के आम चुनाव में दिल्ली के राज सिंहासन की चाबी पूर्वी यूपी में छिपी हुई है, जहां त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने अपना पूरा जोर पूर्वी यूपी पर लगा दिया है। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे एसपी मुखिया पहली बार इस इलाके से चुनावी मैदान में है, जहाँ लोकसभा की 35 सीटें आती हैं। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके पर अपना कब्जा जमाया था। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वी यूपी की 35 में से 32 सीटों पर जीत हासिल की। 2014 के आम चुनाव में जब मोदी की सुनामी चल रही थी, तब बीजेपी ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। तब मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से 60,000 वोटों से जीते थे। अखिलेश के खिलाफ निरहुआ को मिल सकता है टिकट। बीजेपी ने अभी यहां से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस सीट से बीजेपी भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को टिकट दे सकती है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि आजमगढ़ में एक बड़ी आबादी यादव और मुस्लिमों की है, इसीलिए जातिगत गणित अखिलेश यादव के पक्ष में है। और अगर निरहुआ पड़ोस के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं और बीजेपी को आशा है कि उनकी स्टार छवि को भुनाकर आजमगढ़ में कमल खिलाया जा सकता है। अब आते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक और जातिगत स्थिति क्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत सघन बसा हुआ इलाका है। इस क्षेत्र में काफी गरीबी और पिछड़ापन है। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक सूखा प्रभावित बुंदेलखंड से भी खराब है। योगी सरकार के अंतर्गत पूर्वी यूपी पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। एक दशक तक क्षेत्र में क्षेत्रीय दलों का दबदबा राम जन्मभूमि आंदोलन और तीन धार्मिक शहरों अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी ने बीजेपी की मदद की, लेकिन साल 1993 में एसपी और बीएसपी के गठबंधन ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। एक दशक तक इस इलाके में क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है। बीजेपी 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों तक सिमट कर रह गई, लेकिन कमाल हुआ 2014 में जब मोदी नामक आंधी ने लोकसभा चुनाव में सारे गणित को उल्टा करते हुए रिकॉर्ड जीत दर्ज की और बीजेपी अपने पाले में गैर यादव ओबीसी वोटों का एक बड़ा हिस्सा और बीएसपी से गैर जाटव दलित वोट अपने पाले में करने में सफल रही। इसी को देखते हुए 2019 में मोदी जैसी सुनामी से लड़ने के लिए सपा और बसपा ने हाथ मिला लिया है, क्योंकि अगर दोनों एक साथ नहीं आए तो इस बार मोदी का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। बीजेपी 2019 में एक बार फिर अपने मास्टर कार्ड और तुरुप का इक्का प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी को भरोसा है कि मोदी उनका वो मास्टर स्ट्रोक है जो सभी विपक्षियों के सारे समीकरण को बिगाड़ कर रख देगा और बीजेपी इस बार अपने विकास कामों और अपने सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी नरेंद्र मोदी के भरोसे है। तो वही सपा बसपा अपने गठबंधन और जाति समीकरण के भरोसे है, तो कांग्रेस अपने सबसे नायाब प्रियंका गांधी के करिश्मे पर जोर आजमा रही है। अब देखना होगा कि मोदी जैसे विराट ब्रांड बीजेपी के सामने गठबंधन और कांग्रेस, जो सियासी हलके में मेमने की तरह नजर आ रहे हैं, वो कैसे मोदी जैसे विशालकाय शेर का मुकाबला कर पाते हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। साथियों, दशकों से एक्सपर्ट कहते जा रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश समेत यहां के तमाम क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन नामदार परिवार और यहां पर बैठे हुए उनके राग दरबारी तो अपनी सल्तनत को मजबूत करने में जुटे हुए थे, आपकी उनको चिंता नहीं थी। उनको सभी की भलाई से ज्यादा मलाई की चिंता थी। हम आपकी भलाई के लिए काम करते हैं, वो अपनी मलाई के लिए काम करते हैं। अब आप बताइए,
आपकी भलाई काम करने वाला आपको नेता चाहिए कि मलाई खाने वाला चाहिए? अब मलाई खाने वालों को आपने विदा कर दिया है, दोबारा घुसने मत देना, वरना ये ऐसे लोग हैं मलाई चौपट कर जाएंगे। गरीबों के सस्ते राशन के साथ इन्होंने क्या किया था याद है ना? गरीबों के राशन के साथ क्या किया था इन्होंने, भूलना मत। गरीबों का राशन कौन खाएगा, खा गया था, कौन खा गया था? अरे जरा जोर से बताइए, देश सुन रहा है, कौन खा गया था, कौन खा गया था? इनकी खाने की ताकत इतनी है वो केरल में भी खा सकते हैं, अरुणाचल में भी खा सकते हैं, आसाम भी खा सकते हैं। पीडीएस स्कीम में किसको जेल जाना पड़ा? भाइयों और बहनों, 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुख का फर्क यही होता है। इनकी सरकार दिल्ली में हो या फिर किसी भी राज्य में, कांग्रेस की हमेशा करप्शन से मजबूत सांठगांठ रही है। यही उनका महागठबंधन है जो सबको बांधने वाला फेविकॉल करप्शन है। आपको पता है यहां इनके जो नेता गरीबों की थाली से निवाला चुराते हैं, उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है? इनकी प्रेरणा है दिल्ली में बैठे वो नेता जो इनकम टैक्स चुराते हैं, किसानों की जमीन चुराते हैं, अखबार चलाने के लिए मुफ्त में दी गई सरकार जमीन से लाखों रुपए किराया कमाते हैं, देश के रक्षा सौदों में दलाली से भी अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, खुद बेल पर है, खुद तो जमानत पर है, कोर्ट ने जमानत दी है, अगर जमानत न मिली होती तो कहां होते, जमानत न मिली होती तो कहां होते? अरे थोड़े में बच गए हो, थोड़े में बच गए हो। और जो बेल पर है ये चौकीदार को गाली दे रहे हैं, आपको ये गाली मंजूर है क्या? ये गाली मंजूर है क्या? आप भी चौकीदार हैं क्या? आप भी चौकीदार हैं क्या? मेरे साथ बोलिए, मैं भी, मैं भी, मैं भी। साथियों, करप्शन की, दलाली की, गरीबों से गद्दारी की इन लोगों की आदत बहुत पुरानी है और वो इसके आदि बन चुके हैं। इन्हें देश को, देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की पुरानी आदत रही है। इसलिए ये न देश के जवान की चिंता करते हैं और न ही हमारे नौजवान की चिंता करते हैं। इन्हें न तो देश की क्षमता पर विश्वास है और न ही हमारे युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा है। भारत जब भी बड़ी सफलता हासिल करता है, आप मुझे बताइए, देश कुछ भी अच्छा करे तो आपको आनंद होता है कि नहीं होता है, खुशी होती है कि नहीं होती है? अच्छी खबर सुनने के बाद अपनों को फोन करके आप बताते कि नहीं बताते हैं? कितना गौरव होता है। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर में हो, गांव में हो, गरीब हो, अमीर हो, देश की अच्छी खबर आपको ताकत देती है कि नहीं है, आनंद देती है कि नहीं देती है, उत्साह देती है कि नहीं देती है? लेकिन ये ऐसे लोग हैं, जब देश कोई बड़ी सफलता हासिल करता है तो ये नामदारों,
और उनके दरबारियों के चेहरे लटक जाते हैं, बस रोना बाकी रह जाता है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के समय ये खुद देखा है, जब भारत ने आतंकियों को घर में घुस करके मारा तो इनका क्या रवैया रहा, ये भी आपने देखा है। जब हमारे वैज्ञानिक दुनिया को हैरान कर देते हैं तो भी ये उसका मजाक उड़ाने के बहाने खोज लेते हैं। साथियों, जिस बात पर देश गर्व करता है उसी बात पर इन लोगों को दुख होता है। दुनिया में भारत का डंगा बजता है तो ये तिल मिला जाते हैं,